वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें कि आप देख पाएं हमारा वीडियो सबसे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेक्नो विकास और मैं आपका होस्ट विकास। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हम लोग अपना लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करें, वो भी ऑनलाइन। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपको ऑनलाइन डाउनलोड करने के पहले ऑफलाइन जो है रजिस्टर करना पड़ता है। आप अपने नजदीकी सरकारी दफ्तर जहां पे आपका जो है ऑफलाइन फॉर्म सबमिट होता है वहां आपको ये फॉर्म सबमिट करना होगा भर के। और इसके लिए दोस्तों आपको जो है अपना मैट्रिक का, इंटर का सर्टिफिकेट लेकर के जाना होता है और साथ में कोई गवर्नमेंट आईडी जिसके माध्यम से आपका जो है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनेगा। और ये सब करने के बाद आपको जो है कुछ इस तरीके का एक स्लिप मिलता होगा और साथ ही साथ आपको वहाँ के ऑफिसर जो है वो एक टाइम लिमिट दे देते होंगे कि इतने दिन के अंदर आप अपना ऑनलाइन चेक कर लेना, जो भी सर्टिफिकेट आपने अप्लाई किया है वो आपका आ जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले जो है हम लोगों को अपना गूगल खोलना होगा और गूगल खोलने के बाद यहाँ पे आपको लिखना होगा सर्विस ऑनलाइन। और सर्विस ऑनलाइन लिखने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों एक झारखंड शो हो रहा है, क्योंकि मैं झारखंड का निकालने वाला हूँ तो मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। तो आपको इसी साइट के अंदर जाना है और ये साइट को ओपन कर लें। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा साइट जो है वो ओपन हो गया है। और ओपन होने के बाद दोस्तों आपको राइट हैंड साइड में देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको जो है अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे झारखंड सेलेक्ट करता हूँ और झारखंड सेलेक्ट करने के बाद हमारा इस तरीके का एक पेज ओपन होगा। और उसके बाद देखें यहाँ पे ट्रैकिंग है तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। और जैसे ही आप ट्रैकिंग पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक पॉपअप विंडो खुलेगा और इसमें बताना है कि आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है वो कौन गवर्नमेंट है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट। तो मैंने अप्लाई किया था स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से तो मैं इस पर टिक लगाऊंगा। और जैसे ही इस पर आप टिक लगाएंगे यहाँ पे देखिए हमारा दो ऑप्शन आ गया है कि प्लीज़ सेलेक्ट द स्टेट दैट इज़ प्रोवाइडिंग द सर्विस, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो है झारखंड सेलेक्ट करना होगा और उसके ठीक नीचे जो है आपको अपना सर्टिफिकेट सेलेक्ट करना होगा कि आपने क्या बनने के लिए दिया था। तो मैंने लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट दिया था बनने के लिए। आप चाहें तो यहाँ से बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, फिर झारखंड सोशल सोसाइटी पेंशन, ऐसे करके जितने भी सर्टिफिकेट्स आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे लोकल रेसिडेंस सर्टिफिकेट चूज़ करता हूँ और जैसे ही मैंने उसको चूज़ किया तो यहाँ पे देखिए दोनों में से किसी पे एक टिक लगाना होगा। तो मैं यहाँ पे कियोस्क चुन रहा हूँ, आप इसके थ्रू चेक कर सकते हैं बट इससे नहीं आता है। मैंने हमेशा ट्राई किया है तो कियोस्क ही दे पाया है मुझे अपना सर्टिफिकेट। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर है और टोकन नंबर है, तो आपके पास जो है आपके फॉर्म में रेफरेंस नंबर होगा तो इस पे टिक लगाने से यहाँ पे जो है अपना रेफरेंस नंबर है उसको डालना होगा। मैं अभी यहाँ पे अपना रेफरेंस नंबर डालता हूँ। यहाँ पे RC है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट के लिए और यहाँ पे रेफरेंस नंबर डालने के बाद हमारा जो है डेट डालना होगा कि किस डेट को आपने अप्लाई किया था। और डेट सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखिए नीचे में जो कैप्चा है उसे आपको एंट्री करना होगा यहाँ पे और फिर सबमिट पे क्लिक कर दें। सबमिट पे क्लिक करने के बाद हमारा इस तरीके का एक पेज ओपन होगा और यहाँ पे आपका सारा डिटेल्स शो हो रहा है। आप यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके अपना जो डॉक्यूमेंट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अप्रूव बाय SDO या LRC सर्टिफिकेट, तो मैं दोनों से डाउनलोड कर लेता हूँ, देखता हूँ कि मेरा किस में मिलेगा। तो ये तो फॉर्म है तो मुझे दूसरे तरीके से ट्राई करना होगा। LCR सर्टिफिकेट पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए मुझे डाउनलोडिंग लिंक जो है मिल गया है। अभी मैं इस पर क्लिक किया तो डाउनलोड हो गया। मैं अभी इसे ओपन करता हूँ तो देखिए दोस्तों मुझे यहाँ पे अपना लोकल रेसिडेंस सर्टिफिकेट जो है शो हो रहा है। और आप इस तरीके से जो है अपना लोकल रेसिडेंस सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन अपना सर्टिफिकेट, अपना रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। तो दोस्तों मिलता हूँ नए वीडियो में नए टिप्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। दोस्तों आपको हमारा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मेरे इस YouTube चैनल में आपको मोबाइल से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज हैं, जितने भी अपडेट्स हैं, इन सब टॉपिक पे
मैं लगातार वीडियो बनाता रहता हूँ और हो सकता है ये वीडियोस आपके काम आए। आप यहाँ से इसे फ्री में देख सकते हैं और सीख सकते हैं। प्लीज़ मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।